हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शालूस वर्ल्ड। और आज हम बनाएंगे दाल मखनी। तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मैंने ली है साबित उड़द की दाल और राजमा, जिसे मैंने अच्छे से धोकर रात में ही भिगो दिया था और नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने उसे फिर से वॉश किया और उसे बॉयल करने के लिए रखा। और बॉयल करने के टाइम पे मैंने नमक और हल्दी को ऐड कर दिया था। और जैसे ही पहली विसिल बजी, उसके बाद मैंने फ्लेम को लो कर दिया और उसे 4-5 विसिल बजने तक कुक किया। अगर उसके बाद भी दाल नहीं गली हो तो आप उसे दोबारा प्रेशर कुक करें ताकि दाल अच्छे से घुटी ही मिले। दाल जितनी अच्छे से घुटी होगी, दाल मखनी उतनी ही खाने में टेस्टी लगती है। तो चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में बटर ऐड किया। बटर जले नहीं, इसलिए हमें फ्लेम को लो रखना है। अगर हम तेज आंच पर रखेंगे तो बटर जल जाएगा। अब जैसे ही मक्खन मेल्ट हो जाएगा, हम उसमें ऐड करेंगे क्यूमिन सीड। यहाँ पे क्यूमिन सीड अच्छे से चटक गया है। अब हम इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ प्याज और उसे भी अच्छे से भून लेंगे जब तक उसका कलर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बटर कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया ताकि प्याज अच्छे से भुन जाए। यहाँ पे प्याज काफ़ी अच्छे से भुन गया है। अभी हमें इसे थोड़ा सा और भुनना है। देखिए प्याज अच्छे से भुन के गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप चाहे तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। हम इसे भी अच्छे से भून लेंगे जब तक इसके कच्चेपन की महक खत्म नहीं हो जाती। अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कलर वाली लाल मिर्च और तीखी मिर्च। तीखी मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर को भी हमें अच्छे से भून लेना है। अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं दाल कितनी गाढ़ी हो गई है और अच्छे से घुट भी गई है। हमें इसी तरह की दाल चाहिए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला और दाल अच्छे से मिक्स हो जाए और इसे थोड़ी देर हम इसी तरह से भुनेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं कि आपको दाल पतली चाहिए या थोड़ी गाढ़ी, उस हिसाब से आप अपना पानी इसमें डाल दीजिएगा। अब हमें इसे तब तक चलाना है जब तक इसमें एक बॉयल ना आ जाए।
यहाँ पे बॉयल हो चुकी है दाल। अब हम इसे लो फ्लेम में 8 से 10 मिनट के लिए और बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारी दाल अच्छे से पक जाए, और जितना हम इसको हल्की आंच में पकाएंगे उतना ही इसमें टेस्ट अच्छा आएगा। मैंने इसमें थोड़ा सा बटर और ऐड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं हमारी मखनी दाल बनके तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे हर आने वाली वीडियो जल्द से जल्द मिले। थैंक यू।